कैसे दोस्तों, चल चल चलो। आज मैं पिक्सार्स के अगला एपिसोड लेके आया हूँ। बहुत दिनों से पिक्सार का कुछ डाला नहीं, दिल लगा कि चलो आज जो है पिक्सार का कुछ डाल देते हैं। अरे यहाँ तो मेरे डायनोज ने किसी का शिकार किया। ओके देखते भाई क्या है। यार मेरे कुछ डायनोज हैं यहाँ पे टेम करके बाहर ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन होते रहते हैं, तो जो भी है। अरे मेरे ग्रिफिन को क्या हो गया? तो यहाँ ऊपर मेरे दो ग्रिफिन रखे हुए हैं जो कि टेप करके लाया था। एक ग्रिफिन जो है अच्छे लेवल का, हाई लेवल का, एक लो लेवल का। तो ये जो है हाई लेवल वाला, चलो इसको थोड़ा लेकर जाके थोड़ा सा मीट फार्म कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मीट फार्म कर लूँ इससे। मैं यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ, ओके यहाँ कुछ पड़ा। एक मिनट, वहाँ पे रैप्टर टोपी पहने घूम रहे कौन सा? अच्छा विंटर इवेंट चल रहा है इसलिए। ये देखो ये रैप्टर्स जो हैं टोपी पहने के घूम रहे हैं भाई। इधर कुछ स्पेशल कुछ ड्रॉप है क्या इनके पास? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, लेदर एंड बीट ही मिल रहा है मुझे। अरे यहाँ पे ये देख, छोटा सा स्नोमैन, छोटा सा स्नोमैन। तो ये विंटर इवेंट चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसको रुक यार पहले तो मुझे डैमेज बढ़ा दो। यहाँ पे एक छोटा सा स्नोमैन घूम रहा है भाई। स्नोमैन क्या है ये, क्या नाम है इसका? स्नोमैन ओनली टेकन डैमेज फ्रॉम स्नोबॉल। ओके इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसको टेम कर सकते हैं, लेकिन ओनली ओनली टेक डैमेज फ्रॉम स्नोबॉल। स्नोबॉल कौन बनाएगा यार? मैं उतना वो सब जाने वाला नहीं हूँ कि स्नोबॉल कैसे बनेगा, क्या बने। ओ यहाँ पे लाइटें लगा रखी हैं, क्रिसमस का पूरा इवेंट चल रहा है यहाँ पे। पेड़ों पे लाइटें भी है। चल कुछ शिकार उकार कर लो, थोड़ा देख लो आसपास। तो ये अच्छा सा डेकोरेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्रिसमस की तैयारी चल रही है, हॉलीडे की। सही है, इसके अंदर कुछ है स्पेशल इवेंट? हाँ ये है क्रिसमस टोकन्स। क्रिसमस टोकन से क्या होता है यार? कुछ अलग ही यहाँ पे, कुछ अलग ही दिख रहा है। टर्की पहले कैद होते थे यहाँ पे, अभी देख रहे हो टर्की ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। और भी स्नोमैन्स हैं, ये डेकोरेशन का सामान है, बट इनको डेकोरेशन का सामान मिलेगा कैसा? खैर एनीवे चल छोड़ यार इनको। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना वॉयल डाला था बनने के लिए, गैसोलीन, मैं वो जरा लेके आता हूँ। और यहाँ पे एक ड्रॉप भी आ रहा है, इसी के अंदर जो है ना ऑयल का एक वेन है जहाँ पे मैंने ऑयल पंप लगा के रखा हुआ है। तो चलो पहले ऑयल ले लूँ मैं। ये रहा वो जगह जहाँ पे ऑयल है। यहाँ पे ऑयल के खाली बैरल अगर आप रखते हो तो यहाँ से उसके बाद ये फिल्टर होके ऑयल में बदल जाता है। तो ये सारे जो है ऑयल में बदल चुके हैं, सारे ले लो। कितना है? 64। तो पूरा स्लॉट भर गया ये। 64 मैंने बैरल डाला था कुछ दिन पहले, और आज मैं आके लेके आ रहा हूँ। फिर उसको, इसका प्रोसेस भी सेम वैसे ही है। आप जो है फर्नेस में या इंडस्ट्रियल फॉर्ज में कहीं पे भी अगर आप इसको हाइड के साथ रखते हो। ये क्या है अंदर भाई? अंदर कुछ तो है यार। ओ भाई साहब इंस्पेक्टर, क्या है स्पेक्टर? क्या है, अंधेरे में स्पेक्टर पैदा होते हैं क्या? इसके अंदर और भी कुछ है स्पेक्टर? हाँ इसमें कुछ बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर है जिसको हम लोग टेम कर सकते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा टेम करने के लिए, डैमेज ही बढ़ा दे। वैसे मेरा ग्रिफिन का एचपी जो है बहुत ज्यादा है, 2500 के आसपास है, और डैमेज भी बहुत हाई है। तो ये किसी से मुकाबला करने के क्षमता रखता है ये। चल ऑयल लेके चलते हैं बेस पे। यहाँ पे एक ड्रॉप भी था, ड्रॉप देखते हैं, अगर आ गया होगा तो उसको ले लेंगे।
तो इन ऑयल्स को अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सामान वाल लेके ना मैं आगे कुछ जाता हूँ, कुछ क्वेट जल टेम करके लाते हैं, या गोस्ट ड्रैगन टेम करके लाते हैं। सामान जो है कुछ निकाल दूँ, मेरे पास ये बहुत सारा पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया, कब मैंने अपने इन्वेंटरी पे लिया था मुझे याद भी नहीं है। तो पहले तो इनको क्या चाहिए, वुड चाहिए ना मेरे को, क्योंकि मुझे इसको गैसोलीन में बनाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। यहाँ तो बस, ओह शिट ब्रो, मैंने सारा टेक ऑल कर लिया यार, मेरी इन्वेंट्री भर गई। तो चलिए ऑयल है, ऑयल सारे के सारे ऑयल डाल देता हूँ बनने के लिए, बनता रहेगा। सामान रख लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि और क्या है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई कि मेरे को काम का नहीं है। हाँ मेरे पास ये क्रिस्टल टाइप कुछ है, मुझे जहाँ तक याद है इसको शार्प क्रिस्टल अगर मिल जाए तो ये मेरा फैब्रिकेटर है। इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए शार्प क्रिस्टल की ज़रूरत होती है। ये क्या है, ये शार्प क्रिस्टल है क्या? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने बनाऊंगा तभी जाके मेरे को लाइट बल्ब और बाकी सब चीज़ें बनेंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को, ये तो पॉलीमर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एनग्राम कहाँ गया, कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रो? मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा अंदर, कुछ पॉलीमर तो मैंने बना के रखे हुए हैं। वेर इज इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ ये रहा, इसको शार्प क्रिस्टल चाहिए बनाने के लिए। मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है कि इस मैप में शार्प क्रिस्टल कहाँ पे मिलेगा। चलो इधर से अब निकलते हैं, पहले एक ड्रॉप चेक कर लूँ पहले, उसका तो मैं जाता हूँ कुछ क्वार्ट्जल वगैरह टेम करके लाते हैं। ये क्या है, रेंडियर? ये ड्रॉप में रेंडियर आया है, ड्रॉप में रेंडियर, इसको टेम कर सकते हैं या ऐसे ही है? ड्रॉप में रेंडियर, इसको कैसे ये करो? अच्छा ओके, ये रेंडियर एक्चुअली वो सप्लाई क्रेट है, तो इसके अंदर से वैसे ही काम कर। मेरे को लगा कि रेंडियर यहाँ पे स्पॉन हुआ, इसको टेम कर सकते हैं। वेरी नाइस, चलो मैं आगे जा रहा हूँ। मेरा बेस नेक्स्ट जो टेमिंग बेस था वो आगे की तरफ है, मेरे ख्याल से ब्लू एंड ग्रीन के बीच में है कहीं पे, मैंने वहाँ पे झंडा लगा रखा था। आपको ऊपर मैप में एक फ्लैग का निशान ब्लू कलर का दिख रहा होगा, उधर ही जाते हैं, ट्राई करते हैं वहाँ पे। और बीच में एक जगह है जहाँ पे स्नो का कैसल है, किला है, स्नो का पूरा बर्फ का किला है। वहाँ पे मैंने पहले उसको उड़ते हुए देखा था, क्या बोलते हैं, क्वैटजल को। तो हो सकता है बीच रास्ते में मेरे को जगह मिले तो मैं क्वैटजल टेम कर सकूं। और उसके थोड़ा सा आगे मैजिकल फॉरेस्ट पड़ता है, तो वहाँ से आपको घोस्ट ड्रैगन जो है वहाँ से आप लोग टेम कर सकते हैं।
गोस्ट ड्रैगन को टेम करना बहुत ही इजी है, सारे के सारे मैजिकल मैजिकल वाले ही खाते हैं मैजिकल स्लीपिंग एरो, और उनको टेम करने के लिए बेरी लगता है, शायद बेरी लगता है, यस उनको टेम करने के लिए मैजिकल बेरी लगता है, जो कि वो वहीं में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक इलाका है, यहाँ पे कुछ मैजिकल बेरी सोच रहा हूँ मैं यहाँ से इकट्ठे कर लूँ ताकि मेरे को आसानी रहेगी। तो ये बेरी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टिकल क्रिएचर घूमते रहते हैं, और थोड़ा सा मेरे को लट रहना पड़ेगा। ये उधर डार्क वुड, अरे एक मिनट, वहाँ पे अटैक हो गया। ये ओ फक, तो ये कहाँ से आ गए रे? और ये उल्फ है। फिर अपने ग्रिफिन को बचाना पड़ेगा और अपने आप को भी बचाना पड़ेगा। वैसे से मेरे को डैमेज कम पड़ता है, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। उसको पीछे की तरफ ले जा, चल इधर आ जा, इधर आ जा। सोल रिपर, मेरा मेरा ग्रिफिन कहाँ गया यार? मेरे को दिख नहीं रहा है, वो उसके पीछे चला गया क्या? गोस्ट रिपर के वो ऊपर फाइट कर रहा है। पहले इसको मार, इसको मार। ग्रिफिन मर गया यार। डूड ये सबसे बड़ा हाई लेवल का था। मैं इसको स्लीपिंग एरो मार रहा हूँ, इसको टेप कर लो। जब फंसा हुआ हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ टेप करने की, हो सकता है तो हो जाए टेप। ओ भाई साहब, ये क्या है? ये मम्मी घूम रहा है भाई, जॉम्बी है भाई। ये कौन सा जॉम्बी है भाई? मैं कंटिन्यू मैं इनको फायर करता हूँ, अगर ये बेहोश हो गया तो ठीक है, नहीं बेहोश नहीं हुआ, मर ही गया ये। तो ये मैं कंटिन्यू अपना जो है ट्रैक एरो से ही मार रहा हूँ। ये मर गया स्पेक्टर उल्फ। अब इसको 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 ठोकी, इसको ठोकी, इसकी इसकी वो बढ़ रही है, ट्रॉपिडिटी बढ़ रही है, तो इसको ठोकते हैं यार। इसको मारो, मैं हो सकता है शायद मेरी एचपी तो कम हो रही है धीरे धीरे, बट मैं सरवाइव कर सकता हूँ अच्छे से मैं सरवाइव कर सकता हूँ। इसका ट्रॉपो भी बढ़ रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ। देख यार, फंसा हुआ तो हूँ मैं, मेरा ग्रिफिन यहाँ से मर चुका हूँ, मैं आ गया हूँ अपने बेस से थोड़ी दूरी पे हूँ। अगर ये टेम हो सकता है, वो भाग रहा भाग रहा, अगर वो टेम कर लिया तो भाई अच्छी बात है। अपने वो क्या है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है इसके पीछे। चलो, ओ एक और है यार यहाँ पे, छोड़ मैं एक साथ दो का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत फास्ट है, इनकी एचपी बहुत ज़्यादा है, तो इनको इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहाँ गया ये बंदा? और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मेरे पास कोई फ्लायर नहीं है। आ गया ये, इससे पहले कि मेरे को घेर के ये लोग मारे, बैठे इधर से निकल ले। हो रहा तो मैं ट्राई करता हूँ इसको फटाक से ना, अगर ये हो जाए यार। इतने दिनों बाद है, कुछ कंट्रोल भी भूल गया कैसे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन। तो अरे यार ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है यार। ये क्रॉसबो है ना, इसका मैकेनिक मेरे को आज तक समझ नहीं आया पिक्सार्क में। अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटर में हो तभी आपको जो है ये अच्छे से चलता है, ऐसे थर्ड पर्सन शूटर में ये सही से शूट ही नहीं करता, ये सारे जो एरोज है ना मिस करता है। ये मेरे को ये इसका मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ, ये पिक्सार के क्रॉसबो का कुछ अलग ही लेवल का क्रॉसबो है। चलो उसको एक और लगी, कितना चाहिए? वो बेहोश होने के पास में ही है तभी जाके वो भाग रहा है मेरे से, क्योंकि ट्रॉपर जब बिल्कुल हाई हो जाता है तो क्रिएचर, कोई भी क्रिएचर होता है आर्क में, एटलस में, डार्क एंड लाइट में, पिक्सार्क पे, वो भागना शुरू कर देते हैं। ये देखे स्नोमैन मेरे पीछे, तो ये बंदा कहाँ पे जा रहा है यार? वो बहुत ही करीब है, उसको बेहोश देख रहा हूँ थर्ड पर्सन में। मैं जो है इसको, इतनी मुश्किल हो रही है मेरे को इसको शूट करने में। मेरा पूरा का पूरा जो एरो है सारा का सारा वो नीचे की तरफ जा रहा है। देखो कैसे ड्रॉप हो रहा है यार। मेरा जो है थर्ड पर्सन में मैं करने, फर्स्ट पर्सन में अपने, ओ क्योंकि ये हो रहा है वो पानी के अंदर गया। पानी के अंदर क्या टेम कर सकते हैं इसको? I don't know, पता नहीं यार। पानी के अंदर यहाँ भी बहुत खतरा है यार, पानी में आप जो है ज़्यादा देर तक तैर कर नहीं जा सकते हो। फूड इन इन्वेंट्री, ये बेरी नहीं खा रहा यार।
मेरे को रुक जा बाहर से ना कुछ मीट लेके आने दो। ओ भाई मेरी सांस ऑक्सीजन खत्म हो गई। कुछ मीट लेके आने दे, मेरे हाथ में अभी तीर है तो तीर ही मार पे हट पे। चल इसको मीट खिलाओ। मेरे ख्याल से ये जादुई प्राणी है तो इसका ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कुछ लेना देना होगा नहीं, बट पानी में फिर भी टेम करना थोड़ा सा खतरनाक है। अभी कहाँ फंस गया मैं, पानी में टेम करना बहुत ही खतरनाक है इसको। मेरे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है जो भी है। कहाँ गया मीट यार ये रहा। चल भाई खा ले तो। ओ भाई ये क्या गया, इसकी ऐसी की तैसी, डॉल्फिन की ऐसी की तैसी। अबे ये भी टोपी लगा के, सेंटा वाला टोपी लगाए घूम रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि ये यहाँ पे शायद हो सकता है टेम हो जाए। टेम अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को कुछ फिगर आउट करनी पड़ेगी। ये मेरा पता नहीं क्यों हॉट बार भरा हुआ और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यहाँ पे मेरे कैरेक्टर को। ये सब फेंक यार सामान, मैं क्यों ये सब भर के घूम रहा हूँ आई डोंट नो। तो इन सब को फेंको, बहुत सारा सामान लेके घूम रहा हूँ यार मैं। तो मुझे एक फ्लायर की भी आवश्यकता है यहाँ पे, ताकि मैं उसको लेके निकल सकूँ। और मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे फ्लायर मिलते हैं नहीं मिलते, आई डोंट नो ब्रा। बट यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा इसका टेम हो जाने का। वहाँ पे कुछ मछलियाँ घूम रही हैं, आई होप कि ये मछलियाँ जो है इसके ऊपर अटैक ना करें। आई होप ये है क्या, अटैक कर रहा है क्या उस पर एंगलर? ये एंगलर फिश है ब्रो। अबे वो अटैक कर रहा है उस पर और उसने मार दिया, मार दिया, वो पानी से मर गया। आई डोंट नो पानी से मर गया। अबे क्या कर रहा हूँ मैं ब्रो। अरे यार इसका सामान ले, सामान ले, निकल यहाँ से, एंगलर मेरे को ठोकेगा भाई। निकल ले भाई, निकल ले, निकल। अबे यार जाने दे भाई बाहर। एंगलर बिल्कुल वैसे ही लेकिन आर की तरह, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ भाई ठीक है मार ले भाई बेटा, अब तो निकल गया मैं। स्नोमैन इधर, यहाँ पे एक टेराडोन घूम रहा है और मुझे टेराडोन की ज़रूरत है। ये स्टोन बदल ले, और मुझे जो है टेराडोन की ज़रूरत है। वो आता है नीचे तो मैं जो है उसको टेम करता हूँ, क्योंकि अपने को बेस पे वापस जाने के लिए टेराडोन की ही आवश्यकता है भाई। इसको टेम करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आ जा बेटे, अब तू पानी मत चले जियो भाई। ये रहा एक शॉट। ओके चलो गाइस, तो अपने को आने जाने की व्यवस्था हो गई। चलिए ये इस गेम में ये अच्छी है कि अपन लोग यहाँ पे कहीं फंस जाते हैं, टेराडोन टेम करो चले जाओ, और उसका सैडल बनना बहुत इजी होता है। तो बंदा कहीं फंसता नहीं है, जल्दी फंसता नहीं है। तो इसको टेम कर लो। और वहाँ पे एक और सूल रीपर था, वो जहाँ पे मेरा ग्रिफिन मरा था पीछे ही वो जगह है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ना ये इकट्ठे कर लेता हूँ ब्लॉक्स। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे ना एक वो बना लूँ, क्या नाम है उसका, ट्रैप। अगर वो क्योंकि वो एग्रो करके अपने पीछे आते हैं, अब वो मेरे पीछे पीछे आया तो मैं इस ब्लॉक्स का ट्रैप बनाऊँगा। तो मैं ट्राई करूँगा उसको अंदर ही उसको ट्रैप करके बेहोश करने के लिए, क्योंकि ये ट्रॉपर हाई होने के बाद बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो मैं इस ब्लॉक्स को रख लिया मैंने। खाना खा लो, वेट करना पड़ेगा इसका टेम होने का। टेम हो जा भाई, तो कितना टाइम यार, अभी तो खाना ही नहीं खा रही है। तो मैं वहाँ पे एक ट्रैप बनाने की सोच रहा हूँ, वहाँ पे ट्रैप बनाना। मेरे को यहाँ पे फूड मेरा बढ़ नहीं रहा है, मेरा कंटिन्यू कम ही हो रहा है फूड। तो आई डोंट नो गाइस, कंटिन्यू यहाँ पे फूड मेरा कम रहा है। टेराडोन का सैडल के लिए वुड चाहिए। चलो यार ये बना लेते हैं, वुड ले लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या ब्लैक ब्लैक पत्थर है, आई डोंट नो। 101 वुड मिल गया। अभी अपन लोग टेराडोन का सैडल बना सकते हैं, और टेराडोन भी अपना टेम हो चुका है। तो चलो अच्छी बात यह है कि अपने को टेराडोन टेम हो गया, इसका सैडल बना, क्योंकि अपने को घर वापस जाने के लिए, बेस पे वापस जाने के लिए अपने को हो गया है एक पंछी रेडी। तो अभी ये बात नहीं है कि हम कहीं आइलैंड में फंस चुके हैं, वेरी नाइस। बस दिक्कत इस बात की है कि ये बहुत ही लो लेवल का टेराडोन है और इसका वेट
थोड़ा सा चिंता का विषय है, ये अटैक नहीं कर सकता इस पे। ओके, तो इस स्नोमैन पे कोई अटैक नहीं कर सकते हैं। और अपने को किधर जाना है, अपने को जाना है पीछे। थोड़ा सा स्टैमिना की इसकी कमी है। मैं इसको सिर्फ घर ले जाने के लिए टेम किया है मैंने। इस मेरे को कोई इरादा नहीं है कि इसको ले जाके उनसे फाइट करूं किसी से, क्योंकि ये बहुत ही वीक है। ये क्या है, ये कौन सा प्राणी है भाई? फीमेल वेरुल्फ, वेरुल्फ है ये फीमेल। यार यहाँ पे बहुत कमाल कमाल की प्रजाति के क्रिएचर्स है यार। मैं उसको क्या नीचे बुला सकता हूँ क्या? वो नीचे आए तो मैं उसको बेहोश करने की कोशिश करूँ? नहीं, वो नीचे आ नहीं रहा है। मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता उसके पास जाके, क्योंकि हो सकता है शायद वो एक ही पंच में मेरे को ख़त्म कर दे। ये टेराडॉन की एचपी बहुत कम होती है और स्टैमिना भी इसकी स्टार्टिंग लेवल है तो कम है। तो वो रहा वो सोल रिपर, उधर ही घूम रहा है सेकेंड वाला। मैं यहाँ पे कोई प्लेस बना के ना, मैं यहाँ पे ट्रैप बनाने की कोशिश करता हूँ और ट्रैप बना के इसको थोड़ा दूर रख दे भाई। ट्रैप बना के अपन लोग उसको यहाँ पे बुलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो गाइज, अभी मैं ट्रैप बना रहा हूँ। तो चलो, अपना छोटा सा एक ट्रैप 3 हाइट का हो गया है कंप्लीट। अभी सोल रिपर को लेके आते हैं उधर से और उसको यहाँ पे ट्रैप करके उसको टेम करने की कोशिश करेंगे कि भैया ट्रैप हो जाए। तो चल भाई ऊपर चल, फर्स्ट पर्सन में रखता हूँ, थोड़ा सा सूट करने में इजी रहेगा। थर्ड पर्सन में बहुत दिक्कत हो रही है यार यहाँ पे, अब कैसे जाऊँ? रास्ता किधर? चल ऊपर ऊपर ही घूम रहा था वो। लेवल क्या है? लेवल आई डोंट केयर लेवल। अबे एक नीचे भी है, रुक इसको। हाँ ये तो वैसे भी एग्रो हो गया। आजा बेटा अंदर, आजा अंदर, आजा अंदर, आजा बेटे, कम ऑन। आ रहा पीछे मेरे। अबे इनकी हाइट ज़्यादा है यार, ये तो ट्रैप ऊपर ही उड़ रहा है यार। ये ट्रैप गड़बड़ हो गया लग रहा मेरे को। रुक इसको मेरे को सूट करके बुलाने दे, मेरे देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ट्रैप में लेने के लिए। लेकिन मेरे को लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ऊपर। ओ भाई साहब, ये कौन सा अटैक है पर? तो ये कुछ ज़्यादा ऊपर उड़ रहे हैं, तो मेरे को 2-3 हाइट चाहिए यार इसको करने के लिए। 2-3 हाइट और ऊपर होना चाहिए था यार। मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया दोस्त, गड़बड़ हो ही गया। ये कंटिन्यू मेरे पे अटैक कर रहा है। चल इसको, अबे एक और दो दूरी पर। अबे क्यों भाई? ओ चल ये भाग रहा है, इसका ट्रॉपर हाई है, ट्रॉपर हाई है इसका। वो बेहोश हुआ, फंस गया, आई डोंट नो, बेहोश हुआ फंस गया भाई, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है। चलो इसको, ये सेकंड वाले को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ये करने के लिए। मार ले। चलो यार गाइस, मैं थोड़ा इसको पहले ये कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ टेम करने के लिए। इसका ट्रॉपिडिटी अच्छा, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। अबे लग जा भाई, तो वो है भाई यहाँ पे। बेहोश हुआ नहीं हुआ? हाँ ये बेहोश हो गया। रुक जा यार, तेरे पास मीट है दे दे। यहाँ पे समुंदर के किनारे बहुत सारे प्राणी घूम रहे हैं यार गाइस,
चलो इसको दे के आते हैं यार खाने को, एक बार देख भी लूँ क्या हो रहा है बाहर। सारे चीजें डाल दो टेमिंग का फूड। ये टेम नहीं हो रहा सारे सामान डाल देता हूँ इसके अंदर। ये लेवल क्या है यार? लेवल 14। एजेंडर नॉट अवेलेबल, लेवल 14 है गाइस। और एक वो साइड में घूम रहा था जो मेरे बार पर अटैक कर रहा था, उसका लेवल कुछ हाई है। सब कुछ डाल के देख रहा हूँ कि किस चीज से टेप होता है। मेरे पास जो चीजें हैं सारे के सारी चीजें मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये टेम कैसे होता है। एक वो, अरे यार वो अभी भी घूम रहा है कमीना यार, वो साइड में ही है दूसरा वाला, सेकंड वाला। तो मेरे को शायद ऊपर जाके कुछ और चीजें मैं देखता हूँ, कुछ और चीजें जो है टेम करने की सोच। अरे टेरोन मर गया। हिप्पो कैंपस डीप सी। कौन है भाई हिप्पो कैंपस? भाई मैं भी, मैं वहाँ पर जाके देख भी नहीं सकता भाई। मैं मर गया तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी भाई। मरता है भाई टेराडोन, मरने दो, दूसरा टेम कर लेंगे। मैं वहाँ पे जाके देख नहीं रहा उसको किसने मारा क्या मारा। हिप्पो जो भी है इसका एक काम कर, इसने मारा क्या? डीलो ने नहीं, डीलो ने नहीं मारा यार उसको, किसी और ने मारा। बट मेरा जमीन पे था और ये सी वाले प्राणी कैसे मार गया भाई इसको? सैडल ले ले भाई इसका। ये सी वाला प्राणी इसको कैसे मार गया यार समुंदर से? चलो ये इसको ट्राई कर इसको टेम करने की यार। ये बहुत देर से तकलीफ दे के बैठा हुआ यार। ये बंदा घूम रहा है और कह रहा है आ मेरे को टेम कर। चल भाई बेटा तू ही तू टेम हो जा। तो चलो यार मैं इसको कोशिश करता हूँ टेम करने के लिए। ठीक है गाइस, मैं इन दोनों को कोशिश करता हूँ टेम करने के लिए। हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन है तो यार इनकी एचपी बहुत ज़्यादा है, इनकी एचपी बहुत ज़्यादा है मतलब। और ये बहुत गंदा वाला टेम होता है यार। मैं इसको समझ नहीं आ रहा यार इसको कैसे बेहोश करूँ। अच्छा वो अभी मेरे को, वो भाग रहा भाग रहा। ओके पड़ी इसको, ये पड़ी लग जा। अरे यार ये क्रॉसबो का बहुत पंगा है यार इस गेम में, क्रॉसबो का बहुत पंगा है। यहाँ पे मेरे को कुछ समुद्री जीव भी दिख रहे हैं कि जो कि मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो ये समुद्री जीव भी हैं यहाँ पे, देखा नहीं है। कैसे टेम होगा यार मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा, गूगल करके देखना पड़ेगा मुझे भाई। मेरे पास जो चीज़ें भी हैं सारी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रहा हूँ। मेरे को ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आखिर ये किस चीज़ से टेम होता है। ओके चलो ये अपना सोल रेपर हो भी गया। ठीक है टीम हो गया, एक बाइट खाया उसने, हो गया। हेलो इट्स लेवल 14। और इसको भाई मेरे को जिंदा रखना है क्योंकि ये यहाँ पे सी वाले क्रिएचर जो है ये कमीने लोग यहाँ पे आके मेरे टेरेडॉन को मार गए भाई। बहुत ही औसम लग रहा है यार। सही है ब्रो सही है। ये दूसरा वाला यहाँ घूम रहा है, आई होप कि ये पैसिव है। इसको टेम करते, ये बहुत देर से घूम रहा है ब्रो। इसको टेम कर, इसको टेम कर, ये बहुत परेशान करके बैठा हुआ मेरे को। इस कमीने को पकड़, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको एडवांस शॉट मारने के। ये भाग रहा है। चल उधर इसको टेम करते हैं, इसको टेम कर पकड़ यार। ये कह रहा है कि मेरे को अपने घर लेके चलो। और इधर टेराडोन भी एक दो घूम रहे हैं, उसको भी टेम कर लें। ये कहाँ गया, ऊपर गया नीचे गया? ये अच्छा हो रहा तो यहाँ पे वो घूम रहा है। ओके
वन शॉट, दो शॉट। ओके चल भाई, ये अनकॉन्शियस हो गया, मेरा वो कहाँ रह गया सोल्जर पर। भाई तू उधर मत रह यार अकेले, मेरे को अभी जब से टेराडॉन मरा है मेरा, मेरे को खतरा महसूस हो रहा है। वहाँ पे कोई भी कभी भी टाइम आके उसको ठोक सकता है, मार सकता है। भाई तू इधर आ जा भाई, मेरे पास रह, मैं मर जाऊँ चलूँगा यार, बेस ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आ सकता हूँ। तुम लोग बहुत मेहनत से इससे आए हो, डार्क मैजिक क्रिस्टल ले ले भाई, आ जा भाई मेरे पास। ये वो मेरे ख्याल से इसने एक मिनट, ये एक बाइट में ये टेम हो गया था, वो दो खाएगा आई होप यार। ये खाने के बाद ये ब्लैक क्रिस्टल जो है इनका फूड ना हो, टेमिंग के बाद तो ये नॉर्मल फूड वूड खाते हो यार, आई होप। अगर फिर ब्लैक क्रिस्टल ही अगर इनका फूड होगा तो मेरे को बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को बार बार क्रिस्टल लेने आना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटा सा लैग, और ये रहा भाई तेरे खाना, तुम्हारा टेमिंग फूड ले ले, चलो टेम होता रहे। और ब्रो तू एक काम कर यार, तू इधर ही रुक जा, यहाँ पे रुक, थोड़ा सा बेरी जोरी इकट्ठा कर लेता हूँ। और एक मिनट गाइज, अभी मेरे को करना क्या है, अभी इनको टेम करके मैं सीधा घर की तरफ निकलने वाला हूँ, बाकी किसी भी चीज़ों के लालच में मैं नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, अबे ये कौन है बे, अबे अच्छा मार दिया, ये क्या था, चूहा था, आई डोंट नो, कुछ तो था। तो चलो मेरे को मीट वापस मिल गया, मुझे इनको किसी भी हालत में टेम हो जाए ये करना पड़ेगा। टेमिंग का वेट कर रहा हूँ कि टेमिंग कंप्लीट हो जाए फिर अपन लोग जाए, अभी तो खाया नहीं उसने, खाया नहीं, आई डोंट नो। ए भाई तू एक काम कर यार, तेरे पास कुछ है, हाँ डैमेज बढ़ा देता हूँ, वैसे डैमेज इनका बहुत हाई है, डैमेज इनका हाई है। यहाँ पे टेराडॉन घूम रहा है, टेराडॉन अभी टेम करने को, भाई इसने एक भी बाइट अभी तक नहीं खाई, कितना टाइम लगाएगा ये दोस्त, कितना टाइम लगाएगा। तो चलो गाइज, मैं एक टेराडॉन जो है वो, ओ फक, टेम करने की बातें कर रहा था, हेडशॉट पड़ गया इसको एरो से, और ये उसी टाइम टाइट है फेस हो गया। नहीं यार ये गलत बात हो गई, कोई और मेरे को रुक तू, कोई और मुझे टेराडॉन टेम कर, अरे यार खा ले भाई बाइट, एक तो बाइट ले ले ब्रो। अरे तू मेरे पीछे पीछे कहाँ घूम रहा है यार, तू एक जगह रुक क्यों नहीं जाता, यहाँ पे टेराडॉन यहाँ पे है, इसको टेप कर यार, मरना नहीं मरना नहीं। ओके चल बेहोश हो गया, लेवल क्या है, लेवल 33। ओके चल वेरी नाइस, तो जब तक वो मेरा टेम होता है तब तक मैं टेराडॉन भी एक टेम कर लेता हूँ। मीट दे दे इसको, 10 दे दे, हाँ चल इसको मीट दे दिया, ये आराम से यहाँ पे टेम हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक प्राणी जो है वो स्पॉन नहीं होते हैं, मतलब इस ग्रास लैंड पे, ये क्या लेवल है, लो लेवल है, तो ग्रास लैंड पे ज़्यादा खतरनाक प्राणी जो है यहाँ पे ये नहीं होते हैं, स्पॉन नहीं होते हैं। ये अच्छी बात है गेम की, जहाँ पे मतलब लो लेवल जैसे ट्रेडोन वगैरह स्पॉन होते हैं ना, वहाँ पे नॉर्मल लो एग्रेसिव प्राणी होते हैं, यहाँ पर तो टेम बढ़ा ही नहीं, तो वहाँ पे उसको टेम होने दे। तो मैं थोड़ा सा और कुछ इधर उधर देख लेता हूँ। तो मेरा ये टेराडॉन टेम हो चुका है यहाँ पे, टेराडॉन के ऊपर सैडल जो है वो पहले डालो, ये हो गया मेरा टेराडॉन, और इसको लेके थोड़ा सा आगे चल पे, बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ इस पर, ओ भाई साहब गिरना नहीं, तो बहुत ही पीछे जाने के बाद ये जाके इसने मेरे को बिठाया है। थोड़ा बैठने का इशू है यार, अगर आप साइड से 90 डिग्री पे इस पर बैठ सकते, बैठने की कोशिश कर रहे हो अपने डायनोज पे, तो ये गेम पे ई जो है काम नहीं करता है, सीट वाला ऑप्शन काम नहीं करता, आपको उसके बिल्कुल पीछे के साइड में जाना पड़ेगा। भाई तेरा क्या सीन है ब्रो, तू आज टेम होगा नहीं होगा, इसने तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है यार इसने। तो चलो यार टेम होने दो इसको। तो यहाँ पे मैं जो है, जहाँ पे मेरा टेराडॉन मरा था
और ट्रैप के पास वाले जगह पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत सारे जो है समुद्री प्राणी दिख रहे हैं यार। कुछ अजीब सा घोड़े टाइप का ये फेरी है, घोड़ा, मैं उस पर शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपने को समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे शूट करो। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, पानी वाले हैं तो ज़मीन पे आएंगे नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनको शूट करके किसी एक एक बंदे को बेहोश करके देख सकूँ कि है क्या, एग्जैक्टली है क्या ब्रो। तो मैं उसको शूट करने की कोशिश कर, लग तो रहा है ये मेरे पास आ रहे हैं, फिर भी वापस जो है ये भाग जाते हैं यार। ये देखो ये कौन सा समुद्री घोड़ा है, क्या है, डोंट नो। ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है और मेरे ख्याल से ओके ये रेंडर के एरिया से चला गया, ये वापस से गायब हो गया रेंडर के एरिया से, ये निकल चुका है तो वो यहाँ से चला गया। यहाँ पे ये यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ कि क्या करूँ भाई। ऊपर से मार सकता हूँ क्या? शायद मार सकता हूँ। ओके चलो लगी इसको, आ रहा है बाहर, इधर कहाँ गया ये ओके बेहोश हो गया। ये क्या है? मेल पफर पफर, और वो क्या था जो सिंह वाला? ये दूसरा प्राणी है यार, ये दूसरा प्राणी है, वो नहीं है। ये दूसरा प्राणी है गाइस। तो चलो यार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, कुछ अगर हुआ तो अच्छी बात है यार। मैं पानी में जाऊँ नहीं जाऊँ यार? नहीं पानी में मेरे ख्याल से यार जाना बेकार है। नहीं नहीं यार पानी में नहीं जाना यार, मर गए तो बहुत बुरी मौत मिलेगी भाई अपने को, तो पानी में नहीं जाना यार। तो खैर एनीवे चलो यार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इनको बेहोश करने के। तो काफ़ी कोशिश के बाद ये जो है बाहर की तरफ आ गया है, मैं इसको बुला रहा हूँ। भाई ये तो पानी के ऊपर भी आ जाता है भाई। खैर मैं यहाँ पे आके ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको टेम करने के लिए। ट्रॉपिडिटी बढ़ रही है इसकी, भाग भी रहा है, और ये भाग भी रहा है और बेहोश होने की अवस्था में भी आ रहा है, बट आई डोंट नो आगे क्या करना है मेरे को। ये बहुत अच्छी अच्छा दिख रहा है यार, और कमाल की बात है इसको नॉर्मल अगर आप इसको मारते हो ना तो इस पे एक भी जीरो डैमेज पड़ता है नॉर्मल टूल से, हथियार से। इस पे सिर्फ मैजिक वाला ही असर होता है, और ये कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल का प्राणी मेरे को लग रहा है भाई। इसको ट्राई कर रहा हूँ यार इसको बेहोश करने के लिए। अगर ये ज़मीन के पास में अगर बेहोश होता, अच्छा ये दोनों मछलियाँ जिसको मैंने पप्पर क्या नाम था वो भी होश में आ गए हैं, वो भी इधर घूम रहे हैं। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये इधर आए पास में और ये हो जाए। मैं उसको लालच दे रहा हूँ कि बेटा आ जा, मैं किनारे खड़ा हूँ। क्या हुआ भाई? अच्छा आ रहा है आ रहा है, हेडशॉट मार दे इसको। तो इसका ट्रोपोर बट तो आधा ट्रोपोर इसका हुआ है भाई, इसका 5000 ट्रोपोर है। ये कंटिन्यू मेरे बैक हो गया है, पड़ रही है मेरे को धीरे धीरे। एचपी मेरा कम हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है जो कि सोल रिपर करता था। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ पीछे के साइड मिला ताकि ये यहीं पे फंस सके। इसको तो ट्रैप मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे मैंने इसके हिसाब से कोई ट्रैप पर बनाया नहीं है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे ही शूट कर करके ही इसको टेम किया जा सके। ओ भाई साहब क्या जंप मारा भाई, निकल गया ये तो भाई।
ये क्या था, हिप्पो कुछ तो था यार, हिप्पो कुछ था यार, फिर कुछ याद नहीं है ये गया कहाँ पे। ये नीचे जाता तो एक बात भी समझ में आती कि चल यार नीचे जाकर फंस गया, ये उस साइड से नीचे गिरा है कि वहाँ पे वो छोटा सा गैप है, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि वो गया कहाँ पे। वो ऊपर चढ़ के पूरे आइलैंड के उस पार चला गया है या फिर ये नीचे क्रॉस करने के दौरान गिर गया है भाई, मेरे कोई आइडिया नहीं यार। ऊपर अगर मैं जा भी रहा हूँ, अगर मैं दो चार प्राणियों के बीच में अगर फंस गया तो मुश्किल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऊपर आया हो तो उसको नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि आगे जाने का रास्ता है नहीं, यहाँ पे टोटली ड्रॉप है, यहाँ पे कोई है नहीं। अगर यहाँ पे गिरा होगा तो मुझे उसको टेम करना बहुत ही ईजी होगा, यहाँ पे चढ़ के आगे तो मेरे ख्याल से नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ से इसने जंप मारा है तो पक्का उसको यहीं पे गिरना चाहिए था, यहीं पे गिरना चाहिए था। ढूंढ रहा हूँ यार कहाँ पे गया, कहाँ यार वो। ओ भाई साहब कहीं नहीं है यार, ढूंढ। ये क्या है, पेड़ है, दैट इज ट्री ना। हाँ ट्री है वो, तो यार इस साइड से मुझे जाके देखना पड़ेगा वो गया कहाँ यार, गिरना तो चाहिए उसको नीचे। अबे ये क्या है, ये कौन सा फंगल, क्या है फंगल भाई, ये कुछ अजीब सा ही लग रहा है भाई। वो कहाँ है, मारो ये फंगल। फंगल क्या होते हैं यार, आई डोंट नो यार, ये कौन सा प्राणी है, किस टाइप का प्राणी है भाई, मेरे को आइडिया नहीं यार इन सब चीजों का। और मेरे को इस एरिया इलाके में, इस एरिया में यार कंटिन्यू भूख लग रही है यार, मेरे को कंटिन्यू भूख लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एरिया है क्या है। डूड ये कौन सा एरिया है यार, क्या रहनी में यार, इनको छोड़ो यार, ये ऐसे ही मिलते रहेंगे, मैं इनको अगर टेम भी कर लिया तो मैं इनको लेके कैसे जाऊंगा। तो चलो वापस अपने सोल रिपर के तरफ प्रस्थान करते हैं। अपना सोल रिपर भाई कहाँ गया, खाना यार कुछ है क्या यार, मेरे को बहुत भूख, गंदी भूख लग रही है यार यहाँ पे। अबे तू कौन है, अबे अबे ये तो जॉम्बी आ गया, अबे ये कहाँ से आया, देख रहे जॉम्बीज को, ये अगर मेली डैमेज मार रहा हूँ मैं इसको, ये बिल्कुल ही अटैक नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैजिक वाले जो भी आइटम है, हथियार है, उसी से इनको डैमेज हो रहा है, नॉर्मल टूल से इनको डैमेज बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई। ये किसका है भाई, ये शायद किसी को मारा उसी ने, ये कहाँ से आया मेरे को समझ नहीं आया। तो इनको नॉर्मल टूल से कोई हथियार नहीं मिलता है यार, तो इसको सूल सैंड मिला, स्पॉइल्ड मीट मिला इसके बॉडी से, मोर सोल सैंड, लेदर एंड मैजिक कोर, सोल सैंड, ओके। तो इनको मारने पे यार वो जो ब्लैक क्रिस्टल है जो यहाँ पे टेमिंग का जो हथियार, ये देखो ब्लैक मैजिक स्टोन, वो भी मिल जाता है यार, इन्हीं से मिलता है। तो मैंने वही जो ऊपर उस समय टेम में फंस गया था, मैं ऊपर गया फिर गूगल किया तो पता चला ये जो है सोल रिपर ये मैजिक खाते हैं। चलिए अभी टेम हो चुका है मेरा, तो वो जो मैजिक खाते हैं तो मैं इन्हीं को, इनकी बॉडी पड़ी थी क्योंकि मैंने उसके पहले मारा था टेमिंग के दौरान, टेम करते हुए, तो ये मैं उन्हीं को मार के वहाँ से लेके आ गया। और यहाँ पे इजी है यार, ब्लैक क्रिस्टल जो है स्पॉट करना बहुत इजी है यार। मेरे को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे को पहले ना कैंप फायर यहाँ पे बनाने दो, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में मेरे को क्यों इतनी भूख लग रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा कैरेक्टर फालतू का यहाँ पर डाई मर जाएगा। तो रुको पहले गाइज, मैं यहाँ पे बैठ के ना अपना कैंप फायर से खाना बना लेता हूँ, उसके बाद वापस आऊँगा तो अपन लोग सीधा जो है बेस की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो चलो मेरे को थोड़ा सा खाना वाना यहाँ पे मैंने मिक्स कुक कर लिया है, और यहाँ पे सारे सामान है, थोड़ा सा हेल्थ जो है अपना हंगर है, हंगर जो है मैंने अपना थोड़ा फुलफिल किया, इनको ले कर मैं जा रहा हूँ बेस की तरफ, इनको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा। तो ये उड़ने वाले प्राणी है, ज़्यादा फास्ट अगर उड़ गया तो भाई ये जो है पीछे छूट जाएगा, मैं आगे चला जाऊँगा। बेस अपना ज़्यादा दूर नहीं था, मैं कोशिश करूँगा बिना रेस्ट किए ना चुपचाप यहाँ से निकल लो और सीधा बेस पे लेके जाओ, क्योंकि मुझे इन्हें नहीं खोना है।
ये चलो गाइज, अपना बेस जो है सामने आ चुका है। मैंने ब्रिज का पार्ट जो बोरिंग पार्ट है वो काट के हटा दिया है। ये अपने दो सोल रीपर्स आ रहे हैं बीस्ट, और इनको लेके बेस की तरफ रखते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित जगह है मेरा बेस। प्रॉब्लम यही है कि मेरा हाई लेवल का ग्रीफिन है वो इन्हीं के हाथों मारा गया, बट इट्स ओके। अपर लग रहे तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है टेम करके आज लाया हूँ। ये रहे दो सोल रिपर्स, वेरी नाइस। तो चलो ग्रिफिन बाद में टेम कर लेंगे उधर जाके। ये भाई ये कौन सा लेवल का है, ये अंदर बेस पे कैसे घूम रहा है, टेम कर भाई इसको। ये बेस के अंदर भीड़ बढ़ा, तू मेरी आर्मी में शामिल हो जा बेटा, तू इधर आके रुक, तू इधर से आ, इधर आके रुक जा। वेरी नाइस ब्रो। इस पैरासर को यहाँ पे रख लेते हैं, ज़्यादा जानवर रहेंगे तो सुरक्षा का ज़्यादा सुरक्षा ज़्यादा महसूस होती रहेगी। तो तुम लोग यहीं पर रहो। तो मैंने यहाँ पे पैरासर्स और रैप्टर्स जो है वो टेप करके उसको छोड़ रखा है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कुछ बंदे उंदे स्पॉन हो तो अपने को जाए नहीं। चलो ये अपना ऑयल भी गैसोलीन भी रेडी हो चुका है, गैसोलीन ले लेता हूँ। ये रहा जनरेटर, पावर जनरेटर इसके अंदर डाल देता हूँ। मैं क्यों डाल रहा हूँ मेरे को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये यूज करता नहीं, और गैसोलीन ये गेम कुछ ज़्यादा ही यूज करता है ब्रो। गैसोलीन अगर आप जो है जैसे आर्क में जनरेटर चला के छोड़ देते हैं, जनरेटर अपना चलता रहता है, ये रियल टाइम के हिसाब से हर घंटे एक गैसोलीन यूज़ कर लेता है। यानी कि अगर 24 घंटे आपको चलाना है तो 24 गैसोलीन आपको चाहिए रियल टाइम में, रियल टाइम में आपको 24 गैसोलीन चाहिए, तो मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ही महंगा है। तो ये गाइज ये रहा अपना सोल रीपर, कुछ खोया और कुछ पाया। ग्रिफिन अपना हाई लेवल का खोया, तो ये दो लेके आया मैं। ये सिर्फ आपके पीछे पीछे घूम सकते हैं, और ये जो है सैडल लगा के इसके ऊपर यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके बहुत ही खतरनाक वाले बॉडीगार्ड हो सकते हैं। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, और भी कुछ टेम करने का इरादा था लेकिन एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं जो है इसको और बड़ा नहीं बना सकता। तो सी यू गाइस, अगले एपिसोड में कुछ और अच्छी चीज़ ट्राई करेंगे टेम करने के लिए और धमाल मचाएंगे। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू, लव यू।